इलेक्शन का चाहिए, इनको वोट चाहिए। कॉलोनी के अंदर बुरा हाल है, आप जाके देखो अंदर, एक रोड भी सही नहीं है कॉलोनी के अंदर। आपको पता है ये खड्डा है, आपको पता है खड्डा है दोस्ती, घुसेड़ रहे हो ना खड्डे में, घुसेड़ रहे हो ना, इन्हें गिरोगे, गिरोगे तो अपने आप गिरोगे ना। रोड बंद कर दिया था, पाइप वगैरह सब लगाए थे, पाइप लगाने के बाद भी जनता यहाँ की जो है कि पाइप हटा के गाड़ियाँ निकाल रही है अपनी। बालाजी आ जाओ ना, बालाजी आ जाओ ना, एक बार देख लो ना, इतना इतना पानी भरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। इस वक्त जनता की समस्या सुनने के लिए जनता के बीच में आई हूं। दरअसल इस वक्त मैं हस्ताल में मौजूद हूं काली बस्ती में, जहां पर ये सड़क कई समय से बन रही है और देख सकते हैं स्थिति क्या है, इस सड़क की जमीनी हकीकत क्या है, कितने समय से ये सड़क बन रही थी और बाद जो है यहाँ की जनता को आने जाने में कितनी समस्या हो रही है ये देख सकते हैं। आने जाने में ये जो ऑटो है यहाँ पर फंस चुकी है, ये वैन यहाँ पर फंस चुकी है। कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दिखाइए, ये यहाँ चुकी है और अभी से निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये जो मलबा है ये यहाँ के लोगों ने खुद डलवाया है और अभी भी डलवा रहे हैं, ये देख सकते हैं इस वक्त की तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस वैन को निकालने के लिए मशक्कत की जा रही है और इस वैन में तमाम जनता मौजूद थी जिनको अब एक एक करके उतार दिया गया है, इसके बाद ही इस गाड़ी को निकाला जाएगा और यहाँ पर ये फंस चुकी है, जिसकी वजह से देखिए लंबा ट्रैफिक जैम भी हो चुका है, यहाँ पर ट्रैफिक लग चुका है, देख सकते हैं। इस रोड के बनने के बाद से लोगों को कितनी समस्या यहाँ पर हो रही है, ये तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं इस गाड़ी को निकालने के लिए, जी जान लगाई जा रही है और उसके बावजूद भी ये गाड़ी नहीं निकल पा रही। और साथ ही साथ मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाएं वो टायर के पास की तस्वीर, जहाँ पर ये पाइप डाले जा रहे हैं यहाँ पर सड़क में और ये पाइप के कारण यहाँ पर फंस चुकी है गाड़ी, ये देख सकते हैं। इसे निकालने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है और यहाँ पर जनता किस तरीके से समस्या का सामना कर रही है। और साथ ही साथ ये जो मलबा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ की जनता ने खुद यहाँ पर डालने के लिए जनता लेकर आई है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है ये तस्वीरों में जो जाम दिख रहा है, ये गाड़ियाँ यहाँ पर रुक चुकी थी, ये ट्रैफिक जाम केवल और केवल इस सड़क की वजह से ही हुआ है। ये देखिए ऑटो वाले भैया से बातचीत करेंगे, सवारियों को उतार रहे क्यों? अरे मैडम बहुत परेशानी है, सारे गड्ढे गुड्ढे हो रखे हैं, कम से कम 15 दिन से परेशान है, वैसे 2-2.5 महीने राखी के बाद का टूटा हुआ है ये। जी हाँ, बहुत देखिए यहाँ पर किस तरीके से जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये 2-way road है और जो कि पूरी तरीके से जाम हो चुकी है। अब दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाएंगे, एक तरफ यहाँ पर मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों के आने जाने के लिए जो रोड खाली है वहाँ से लोग जा रहे हैं। अब कैसे ये लोग जा रहे हैं, किस तरीके से इन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। चलिए कुछ लोगों से यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। मैडम ये 15 दिन हो गए अभी तक नहीं बना पाया, अभी ये हमने केजरीवाल के भी पास गए थे, उन्होंने उनके सामने तो ये बोला हाँ अभी करवा देंगे काम NCD से, ना NCD वाला आया, बस 2 दिन में आया, बस ये पानी की वायरिंग डाल के गया, उसके बाद आया ही नहीं है। और ये मलुआ डाल ले, हम सारे रिक्शे वाले मिलके एक साथ ही डालते हैं, हम अपना पैसा खर्च करके डालते हैं, कोई किसी का नहीं लेते। रिक्शे वाले वो यहाँ चलाते ऑटो वाले रिक्शे वाले, हम उन्हीं से पैसे लेते हैं, वही मलुए वाले को देते हैं, वो मलुआ वाला डालता है उसके, मतलब ये पानी का आनी है, पाइप वाइप टूट जाते हैं, ना पानी आता है, ना रोड बना है, रोड तो 3-4 महीने हो गए अभी तक कुछ भी नहीं बना इसका, रोड वहाँ पर मतलब पानी भरा हुआ है, तो बरसात के दिन जो निकले हैं अभी उसमें तो यहाँ पर पानी भर जाता है। मैडम बहुत भरता है यहाँ के लोग, गाड़ियाँ पलट जाती है लोगों की, पानी भर जाता है ना, ये पाइप जो चल रहा है उसका भी पानी इसी में ही भर जाता है। हाँ करना था, अभी जिंदल के पास भी गए थे विकासपुरी, उनको उनके पास भी गए, उन्होंने बोला थोड़ी दिक्कत हो, जिंदल के पास भी गए थे विकासपुरी हम सारे काली बस्ती के, उन लोगों ने बोला अभी आ रहे लोग है ना, अभी 2-4 दिन का टाइम दे दो, बोले तबीयत कुछ ख़राब है ऐसी कुछ कह रहे थे, उसके बाद उनका 2-4 दिन हुआ नहीं, ना महेंद्र यादव का 2-4 दिन बोल के 3-4 महीने भी हम उनके ऑफिस भी जाते जब भी कोई नहीं होता ये काम, वो वोटिंग लेने के लिए टाइम से आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। ये रोड जो है टूटा गया, टूट चुका था या तोड़ा गया?
ये तोड़ा गया है और तोड़ के दो महीने बाद जब हमने ये मलुआ डाला है क्यों हमें बहुत परेशानी होती है मैडम, जाम के एम्बुलेंस आती है उनके लिए रास्ता बना देते हैं, थोड़ा बहुत इस मारे काली बस्ती में जाम ना लगे और लोग ये मतलब परेशानी ये बोलते हैं काली बस्ती वाले जाम लगाते हैं और जाम ये MCD वाले खोद के चले आते हैं, जो भी किसी के भी अंडर में आता है ये सब वो ये सीन करके चला और हमें भुगतना पड़ता है ये चीज़ें। मैम मैं कह रहा हूँ जैसे कीचड़ के जगह गड्ढों के चक्कर में काफ़ी रिक्शे पलटते हैं, पब्लिक को चोट लगती है, पब्लिक बहुत परेशान होती है इस चीज़ से, ठीक है ना मैम, इस चीज़ को ये देखो जाए, आप भी देख सकते हो इस चीज़ को, आप इस चीज़ को देख सकते हो आप कितना वो है, ठीक है ना मैम, आप ये पानी की लाइन की इतनी दिक्कत होती है, पानी नहीं आता किसी के पास, ठीक है ना, पाइप लाइन टूट जा रही है, मेन रोड यही है अभी इधर का, वहाँ से जाए तो नाला जाम हो जाता है एरिया, तो मेन रोड तो यही होता है इस तरफ, तो इसमें इधर की कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई विधायक नहीं आता, कोई निगम पार्षद नहीं आ रहा, काफ़ी बार जा चुके उनके पास भी पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है, ये रोड जो है ये मतलब रोजाना इतना ही चलता है या इससे ज़्यादा ही चलता है, सुबह शाम आके देखो आप, अभी तो दोपहर का टाइम है, ऑफिस सारे जा चुके हैं, सुबह शाम आके देखो आपको एक घंटे से पहले नहीं निकल पाओगे आप इधर से, इतना ट्रैफिक होता है, ये हम अपने पैसे से मलवा डलवा के अपना रोड क्लियर कर रहे हैं जो ट्रैफिक ना लगे इधर और किसी को दिक्कत ना हो किसी की तरह की, इसलिए सरकार से आपने कोई सुनवाई नहीं मांगी कि यहाँ पर जो मलवा ये खोद के गए हैं यहाँ पर मलवा डलवाया जाए, सब ये बच्चे डलवाते हैं, सब बच्चे डलवाते हैं, 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर, महेंद्र यादव हमारे यहाँ के MLA हैं मैडम, हम लोग ऐसा है कि हम रिक्शा चलाते हैं, ये अपने जेबों से किया सब कुछ, हाँ जी, क्योंकि हम पे इकट्ठा करके यहाँ की चिंता करके करवा रहे हैं, MLA के यहाँ पे 11-12 मलवा डल चुके हैं यहाँ पे, वे जब भी आते ना वो लोग खाली खोद के चले जाते हैं, बनवाते नहीं हैं, बनवाने की बोलो तो वो कहते हैं कल करवा देंगे परसों करवा देंगे, इनको पानी की दिक्कत होती है, ये पानी के लिए बोलते हैं बेरो कुछ सुनते नहीं है, महीना चल रहा है मैडम क्या करोगे, ये तीसरा महीना चल रहा है, 3 महीने पहले ये सड़क खोदी गई, खोदी गई सारा, सबके पाइप अब तोड़ गया, सबके रास्ते का पाइप है, ये पानी के पाइप है, ये तो टूट रहे हैं अब सड़कों पर, तो टूट गए जब तो जो लीक कर रहा है उतना पानी सड़कों पर तो आएगा, अभी वो ठीक करवा के गए, ये रोड तो इन्होंने अच्छा से मिट्टी डाली नहीं तो वो इसीलिए फिर गाड़ी फंसरी, गर्मी इंजन कहाँ जाएंगे ये बताओ, जो बैटरी रिक्शा चलाते हैं बेचारे, 3-व्हीलर चलाते हैं, यहाँ पर इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, यहाँ पर ये कार जो है यहाँ पर से जा रही थी और ये फंस चुकी है, मैं कहूँगी यहाँ पे से सामने हटिए थोड़ा दिखाइए कि देखिए किस तरीके से ये मलबा यहाँ पर डला हुआ है और यहाँ पर ये गाड़ियाँ फंसती नजर आ रही हैं और इसी की वजह से ही यहाँ पर ट्रैफिक लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा है, इस तरफ दिखाऊंगी कि गाड़ी के फंसने के कारण जो सामने से आने वाले वाहन हैं वो पूरी तरीके से रुक चुके हैं और इससे काफ़ी लंबी तरीके से यहाँ पर जाम की समस्या यहाँ पर हो जाती है और किस तरीके से घंटों यहाँ पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर पानी पीने का नहीं मिल रहा है, उपलब्ध नहीं है, दरअसल बता दें कि ये जो सड़क खोदी गई है यहाँ पर जो पीने के पाइप हैं वो खुद कर ऊपर आ गए हैं और टूट कर जो पीने का पानी है वो सड़कों पर आ रहा है, अब देखिए इनके सामने समस्या है पीने के पानी की, साथ ही साथ इस सड़क की, और कहा जा रहा है कि यहाँ के विधायक पार्षद जो इनके हैं वो यहाँ पर इनकी सुध लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, इस वक्त तस्वीर में देख पा रहे हैं अभी एम्बुलेंस यहाँ पर ट्रैफिक जैम में थी पीछे और देखिए अब इसको निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और इस वक्त देख सकते हैं ये रोड जो है ये हमेशा इसी तरीके से इतना ही वाहन यहाँ पर चलता है और उसके बावजूद यहाँ पर लोगों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, एक के बाद एक यहाँ पर एम्बुलेंस आ रही है और सोचिए कि अगर इसका वाहन का इस एम्बुलेंस का टायर अगर इस मलबे में फंस जाता है तो कितनी बड़ी समस्या दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले भी एक्सीडेंट हो चुके हैं, ऑटो वाले से बातचीत करना चाहेंगे, जी भैया क्या समस्या? बिल्कुल बहुत समस्या है, ऑटो की एंट्री भी जाती है, मतलब गाड़ियाँ चलाते हैं बहुत परेशानी है, आए दिन ऑटो हमारे अस्पताल में खड़े रहते हैं, बहुत दिक्कत में कहानी है, सवारियों को भी परेशानी है और हमें भी बहुत परेशानी है, ऑटो वाले जो यहाँ पर सवारियों को लेकर जा रहे हैं वो उतार कर लेकर जा रहे हैं, उतार के लेकर जाते हैं ना, हाँ उतर के लेके जाते हैं सवारियों को, डेली का यही हिसाब हो गया, कभी रोड बंद कर देते हैं कभी पाइप लगा, कोई मतलब सुनवाई नहीं, कोई बनवाने का इंतजाम नहीं, कोई बनाने का कुछ नहीं है, सवारियां सब 3 महीने हो गए, कितने टाइम से ये समस्या, महीने से समस्या, हम तो बहुत पहले चाह रहे थे कि प्रेस वाले यहाँ आए और काम 35 हो जाए, मगर कोई बंदा समझने को तैयार ही नहीं था, हम तो हड़ताल करने के चक्कर में लगे 2-3 दिन की, हड़ताल करने की कोशिश करेंगे अब आगे, ऑटो की हड़ताल करने के चक्कर में।
देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो वालों का कहना है कि ये हड़ताल पर भी बैठेंगे, अगर सरकार इनकी समस्या की सुध नहीं लेती है तो ये आगे हड़ताल पर भी बैठेंगे और इसी तरीके से अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और समस्या देखिए यहाँ पर जनता की कि यहाँ पर सड़क टूटी हुई है, लगातार जाम की समस्या यहाँ पर हो रही है, पीने का पानी यहाँ पर नहीं मिल रहा है, 4 दिन से यहाँ पर पीने का पानी जनता को उपलब्ध नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जो ये जो काम चल रहा है ना, ये रोड पे काम चल रहा है, इसके अंदर किसी अधिकारी की कोई गलती नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये सारा काम चल रहा था अच्छा वाला, लेकिन पब्लिक है वो मानती नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं बंदे के जबरदस्ती उसको रास्ता खोल देते हैं, कोई काम करने आता है उसे काम करने देती, पब्लिक है जो चलने वाली है वो, जबकि यहाँ के सब बंदे अच्छे काम भी साथ देती है, सारा मतलब कोऑपरेट करती है इनका मतलब अधिकारी को अभी, लेकिन यहाँ काम हो रहा था। लेकिन अभी आपको पता है 2 दिन पहले लाइन ठीक हुई है, सबको पता है ये खड्डा है, आप इसके अंदर जबरदस्ती गाड़ी घुसेड़ोगे तो गाड़ी गिरती है तो उसके नाम आता है कि जी उसने ये नहीं बनवाया, सरकारी आदमी ये नहीं कर रहे, वो अपना काम तरीके से भट्टी सूखेगी तभी तो रोड बनेगा ना, या गीले पर रोड बन जाएगा, आप बताओ। जनता यहाँ पर नहीं बाज आ रही, चलने वाली जनता नहीं मानने आ रही है, जो चलने वाली जनता है ना वो नहीं कोऑपरेट कर रही है, यहाँ के आम आदमी तो कोऑपरेट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं बात को, लेकिन रोड बंद कर दिया था, पाइप वगैरह सब लगाए थे, पाइप लगाने के बाद भी जनता यहाँ की जो है पाइप हटा के गाड़ियाँ निकाल रही है अपनी, रोड जो है सरकार ने बंद किया था लेकिन वो रोड खोल दिया गया जनता चलना, हाँ चलने वालों ने देखी कर दिया। मैं बात करूँ, मैं कहता हूँ जो रात दिन में तो ट्रैफिक होता है, आप गाड़ियों ट्रैफिक को कब तक बंद करोगे, रात को क्यों नहीं बनता रोड, रात को क्यों नहीं बनाया जाता, अंदर कॉलोनियों में सारे रोड टूटे हुए हैं, 1 घंटों जाम होता है वहाँ पे क्यों नहीं घुसना जी, ये नेता क्या कर रहे हैं, अपने घर पे बैठे रहते हैं, किससे करें शिकायत, कोई सुनने वाला नहीं है आजकल, आजकल कोई डेट नहीं सुनने वाला, इलेक्शन का चाहिए इनको, वोट चाहिए, कॉलोनी के अंदर बुरा हाल है, आप जाके देखो अंदर, एक रोड भी सही नहीं है कॉलोनी के अंदर, पब्लिक को रोज 1 घंटों जाम होना पड़ता है। यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या समस्या यहाँ पर, क्या बताऊँ मैडम, आप तो देख ही रहे हैं खुद, क्या समस्या है बताओ बताओ। हाँ पानी के 4 दिन से वो कनेक्शन तोड़ के गया, अभी तक पानी नहीं दिया हमारे को, नहीं आ रहा पानी, आज भी आए थे आज भी वो लोग वापस चले गए, कुछ बोले ही नहीं कर, हमारे को ऊपर से ऑर्डर आया मना है। यहाँ पर देखिए इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, ये गाड़ी यहाँ पर आ रही थी और देखिए किस तरीके से गाड़ी जो है यहाँ पर लग चुकी है, अब किस तरीके की स्थिति है ये कार ड्राइवर से ही बातचीत कर लेते हैं, क्या कहना है यहाँ पर इतनी बड़ी, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, गाड़ी देखो आपके सामने अभी मेरी गाड़ी, ये बहुत सालों से ऐसा पड़ा हुआ है और बहुत बुरा हाल है। मैडम हम तो कभी कभी निकलते हैं लेकिन यहाँ से हमें फिर विकासपुरी से होके जाना पड़ता है, बहुत लंबा रूट करके, और ये रास्ता अगर गवर्नमेंट ने बनाया तो इसको सही करना चाहिए, हाँ। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, यहाँ के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है, तो ये लग रहा है कि दुर्घटना की स्थिति यहाँ पर बन बिल्कुल है। बिल्कुल बन सकती है, अभी आपने देखा मेरी गाड़ी कैसे लगी है, बोनेट कैसा लगा है, देख रहे हैं यहाँ पर लगातार गाड़ियाँ जो हैं, कभी रिक्शा पलट रहे हैं तो कभी गाड़ियाँ फंस जा रही हैं, तो देखिए ट्रैफिक की भारी समस्या यहाँ पर हो रही है, लगातार यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं और ट्रैफिक की समस्या का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। जी क्या कह रहे हैं ये पाइपों के, ये सारे कनेक्शन टूट रखे हैं मैडम, पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, कहाँ से पानी पियेंगे बताओ, यहाँ पर आ रही है, लेकिन इससे पाइप को तोड़ कर कहा जा रहा है कि यहाँ पर नए पाइप बिछाए गए, जी ये नए पाइप की लाइन बिछाई गई है पानी की, तो ये आधे में ही रह गई है, आधे में नहीं बिछाई है उन्होंने, जी कनेक्शन तो दे नहीं रहा, पाइप तो बिछा रखा कनेक्शन नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा, पुराने कनेक्शन तोड़ दिए हैं और अब जो नए हैं उनमें कनेक्शन नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, तो बिना पानी के कैसे गुजर बसर, इधर उधर से लेके आता दूर दूर से, कब तक कहा जा रहा है कि कब तक पानी आ जाएगा, कोई पता नहीं, मैं मिस्त्री आगे लेबर आगे यहाँ खड़ा है लेना, अभी तक ठेकेदार का कोई पता नहीं है, मिस्त्री आ गए लेकिन अभी तक ठेकेदार नहीं आया, नहीं आया, यहाँ पर काम चलेगा कैसे काम होगा, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, आपने कभी शिकायत नहीं डाली इसके लिए, अब हम लोग इतना तक पहुँच नहीं पाते हैं सरकार तक, विधायक तक पहुँचते हैं, विधायक बोल रहे अभी आधार कार्ड वगैरह जमा करो मीटर लगेगा, अच्छा पानी का मीटर लगेगा, मीटर लगेगा झुग्गी में, हाँ। ये सब झुग्गी में, हाँ। तो मतलब आगे पानी आने की कहा है कि पानी आ जाएगा, आ जाएगा आधार कार्ड वगैरह सब जमा करेंगे जब आएगा पानी, तब तक कैसे गुजर बसर करेंगे, सरकार ने इसका कुछ आश्वासन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया नहीं दिया है।
देखिए आगे चलेंगे, आपको वो जगह लेकर चलते हैं जहाँ तक ये पाइपलाइन बिछाई गई है, और ये तमाम वो पाइपलाइन जैसे जा रही हैं और ये लगातार जो रोड यहाँ पर चल रहा है उसकी स्थिति आप एक बार देखिए। एक तरफ मलबा पानी, दूसरी तरफ पाइपलाइन बिछी हुई है, और किस तरीके से ये पूरी रोड खराब है, पूरी तरीके से गड्ढों से भरी हुई है। और ये देख सकते हैं गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं और एक्सीडेंट होने की यहाँ पर संभावना लगातार बनी हुई है, क्योंकि जाम और गाड़ियों की समस्या जो यहाँ पर है, गाड़ी आ रही हैं और लगातार यहाँ पर फंस जा रही हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लगातार एम्बुलेंस का यहाँ से आना जाना है, ऑटो वाले लगातार इस जगह से आते जाते हैं, और ये रोड हमेशा इतना ही चलता है, यहाँ से इतनी ही गाड़ियाँ लगातार चलती हैं, और ऐसे में दुर्घटना होना संभावित है। कहाँ है यहाँ की सरकार, कहाँ है यहाँ के विधायक, और कहाँ है यहाँ के पार्षद जो यहाँ की सुध लेने के लिए अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं? क्यों नहीं सुनी जा रही है यहाँ की आवाज़? मैं धनियो 15 की ओर से गुजारिश करती हूँ यहाँ के पार्षद विधायक से कि यहाँ आए और यहाँ पर आकर जनता की सुध करें, नहीं तो यहाँ के ऑटो वालों का कहना है कि वो आगे आने वाले दिनों में अपनी समस्या को समाधान के लिए यहाँ पर हड़ताल भी करेंगे। बने रहिएगा धनियो 15 के साथ ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।